राजकुमार राव श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म स्त्री में लोगों द्वारा अपने घर के बाहर लिखा संदेश, ओ स्त्री तू कल आना, आपको याद होगा। झाबा में भी इन दिनों कोरोना को घर से दूर रखने के लिए कुछ इस तरह का मैसेज घरों के बाहर नजर आ रहा है, जिसमें कोरोना को घर से दूर रहने की बात लिखी गई है। जैसा कि आजकल मोदी जी की जो मुहिम चलाई गई है लॉकडाउन की, इसको देखते हुए हमारे कॉलोनी में, चर्च कॉलोनी में, हमारे कुछ युवा साथियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो बाहरी तत्व हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन पे पाबंदी लगाई गई है। वहाँ पे बैरिगेट लगाए गए हैं और हमारे युवा और हमारे पार्षद के द्वारा, हम लोगों के द्वारा वहाँ पे हर 24 घंटे पहरा दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे आने जाने वाले जो भी हैं उन्हें हाथ धुलवा के उन्हें इस कॉलोनी में अंदर आने की अनुमति दी जाती है। और यहाँ तक कि जो सब्जी वगैरह जो भी सामग्री वितरण होती है उन्हें भी हम हाथ धुलवा के सैनिटाइज करके ही उन्हें यहाँ अंदर आने की अनुमति देते हैं। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारी युवाओं द्वारा, जो कि आने वाले समय में हम जो झाबुआ जिले में यहाँ अभी तक हुआ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये हर जगह मुहिम चलाई जाए। और ओ कोरोना यहाँ पर कोई नहीं रहता, कभी मत आना, ये एक मूवी में मैंने देखा था कि ओ स्त्री कभी मत आना, उससे मेरे मन में ऐसा लगा तो मैंने ये स्लोगन बनाया। और ये स्लोगन पूरी चर्च कॉलोनी में आज शाम तक पूरे हर घर के सामने रहेगा। रही बात यहाँ पर आवाजाही की, तो हमने यहाँ पर 3 रास्ते हैं, तीनों को टोटल पूरी तरह से बैरिगेट लगा के लॉकडाउन कर दिया है। केवल अति आवश्यक फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले और पेपर वालों को ही आने दे रहे, बाकी बाहरी व्यक्तियों का आना पूर्ण रूप से हमने निषेध लगा दिया है। यहाँ जो भी व्यापारी सामान बेचने के लिए, सब्जी फल फूल बेचने के लिए यहाँ पर आ रहा है, उसको हमने नाके पर पहले उसको साबुन से उसके हाथ धुलाए जा रहे हैं। वो 2 व्यक्ति हो 3 व्यक्ति हो उसके हाथ धोने के बाद ही उसको हम कॉलोनी में प्रवेश दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अक्सर नोटों को पकड़ रहा है, अब कौन से नोट पर कौन सा वायरस आ जाए यह हम भी नहीं जानते, इसलिए हमने ये मुहिम चालू करी कि कोई भी व्यक्ति आएगा उसको हम साबुन से हाथ धुलाने के बाद ही कॉलोनी में प्रवेश दे रहे हैं। कॉलोनी के जितने भी लोग हैं वो अगर कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो उनको भी हम हाथ धुलाने के बाद ही कॉलोनी में वापस से प्रवेश दे रहे हैं।